हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोमिक चैनल। सो आज हम जा रहे हैं बीच लग्जरी होटल, और ये मैं बता रहा हूँ कि जब मैं जिस दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाता उस दिन क्या रूटीन होती है। चलें देखते हैं कि आज मेरी क्या रूटीन बनती है, लेट्स गो। तो यार मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह कितना अच्छा मौसम है कराची का, वो आपको दिखाते चले रास्ते पर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ़ोन अंदर रखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ख्यालों की तपिश जिंदा हुई है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी ना रविश जिंदा है। अच्छा गाइस, सीरियसली हाँ अभी मैं अंदर रख रहा हूँ, बस एक दो और जगहें दिखाऊंगा फिर इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है वैसे बीच लग्जरी होटल, बिकॉज रास्ता तो जल्दी दिखा रहा था। राइट, सो फाइनली हम लोग बीच लग्जरी होटल तो पहुंच गए। तो आज असल में बीच लग्जरी आने का मकसद क्या था, वो ये कि ऑल पाकिस्तान से शायद गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्ट्रिशंस आ रहे हैं, और मैं जो है वो हेल्पिंग बेबी सर्वाइव का हेड ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हूँ। तो डॉक्टर नगमाना हैं हमारी मेंटोर हैं, वो यूएस के अंदर होती हैं। तो आज वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगी, और मुझे यहाँ वो मतलब वहाँ से यूएस से बैठ के वहाँ से बैठ के प्रेजेंटेशन देंगी, और मुझे यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करके दिखानी है हेल्पिंग बेबीज सर्वाइव की। और मैं यहाँ पे बीच लग्जरी होटल में आया हुआ हूँ। अभी तक तो यहाँ पे सन्नाटा लग रहा है, बिल्कुल आसपास कोई मतलब नामो निशान नहीं है किसी का, पता नहीं अंदर लोग आए हुए या नहीं आए हुए। सो सुबह सुबह आने का मकसद ये है कि यूएस के अंदर लाइक 12 घंटे का डिफरेंस होता है, तो उस हिसाब से उनके वहाँ पे रात के 9 बजे वो प्रेजेंटेशन देंगी, और मुझे यहाँ पे सुबह 9 बजे यानी कि दिन में यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करके दिखानी है। तो इस वजह से सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गया हूँ, ताकि यहाँ पे हम टेबल्स वगैरह जल्दी सेट कर लें। अब देखते हैं अंदर चल के, देखते हैं क्या हिसाब किताब है, उसके बाद फिर ट्रिप के लिए भी जाना है मैंने। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बीच लग्जरी होटल मेरे घर से इतना करीब है, वैसे मैं पहली बार आया हूँ लेकिन ये तो काफ़ी करीब था। लाइक मुझे हार्डली कोई 10 मिनट लगे हैं पहुँचने में, ये मतलब पोर्ट ग्रैंड के बिल्कुल साथ ही है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि इंफॉर्मेशन लेते हैं कहाँ पर है सारा ये सिस्टम, जल्दी चलते हैं। और ये साथ में मैनिकन भी लेके आया हूँ मैं, जिसके ऊपर डेमोंस्ट्रेशन हम लोग करके दिखाते हैं। और स्पेशल चीज़, एक और स्पेशल चीज़ हम लोगों ने एडिशन की है हमारे प्रोटोकॉल के अंदर, वो है कैंगरू मदर केयर। वो भी आज डेमोंस्ट्रेशन मैं पहली बार करूँगा, हालांकि पहले कभी सिखाई नहीं, लेकिन मैम ने कहा तो अभी चलते हैं। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में अमान है मदर और न्यू बॉर्न से रिलेटेड, जो यहाँ पे सेशंस वगैरह करवाती है। तो उनकी कोलैबोरेशन के अंदर, मतलब कोलैबोरेशन नहीं खैर वही करवा रही हैं, और डॉक्टर नगमाना उसके अंदर फर्स्ट प्रेजेंटेशन देंगी। ठीक है, तो आज हम लोग आए हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ट्यूलिप हॉल के अंदर जाना है। चलो फिर चलते हैं। ये सुकून होता है कि लाइक लोग आसपास ना हो ना, बिकॉज पब्लिक के अंदर एक फोबिया जो होता है ना वो अजीब सा होता है। लोग आसपास ना हो तो बंदा सुकून से जितना दिल करे उतने व्लॉग्स बना सकता है आराम से। ट्यूलिप हॉल कहाँ पे? ट्यूलिप हॉल। ओके, सो अब आ चुके हैं तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पे तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला ही बोल रहा हूँ, और मुझे पता नहीं था इतना जल्दी आऊँगा तो खाली मिलेगा मुझे लेक्चर हॉल भी, और पूरा होटल ही खाली है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ओके गाइस, सो अब आए हुए, और फॉर्चुनेटली मेरे घर से बहुत करीब था, मुझे अंदाज़ा नहीं था जैसे मैंने पहले बताया,
और अभी तक कोई भी नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि मैं स्टाफ का हिस्सा हूँ और बैठ के सारी सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे चले हम। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है इंशाल्लाह थोड़ी देर में, तो देखते हैं। डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं हम लोग और डॉक्टर सादिया भी अभी तक नहीं आए। सो स्टे ट्यून्ड और मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह। जब तक फारिंग है थोड़ा होटल वगैरह घूम लेते हैं। अकेला ही हूँ ऐसे पूरे होटल के अंदर, तो देख लेते हैं कि कैसा बना हुआ है। अच्छा अच्छा है यार, फर्स्ट टाइम आया हूँ। प्रोबेबली आज का व्लॉग थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ कितनी हेक्टिक रहती है। मतलब कि लाइक एज सच हम कह रहे होंगे कि यार मैं ख्वार बनना हूँ, लेकिन ये है कि मतलब जब बंदा ऐसा रहता है ना तो फिर सुस्पन नहीं आता किसी भी काम करने में, कोई भी काम करने में, हेक्टिक जितना भी हो। तो बंदे को अगर इस तरह की लाइफ रहती है ना तो फिर वो सुस्त नहीं रहता। हाँ ये कि चलो बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की पोटेंशियल है उसके अंदर। ठीक है, सो अभी तो फिलहाल घूमे जा रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ यहाँ पे रूम्स हैं शायद, और वहाँ पे लेक्चर हॉल जो हॉल था छोटा सा हॉल है, मुझे लगा था कोई बड़ा ऑडिटोरियम होगा, लेकिन यार वैसे यहाँ से तो कराची की खूबसूरती काफ़ी अच्छी लग रही होती है। देखने में ऐसे लग रहा होता है कराची में ही कहीं और हैं। हाँ ये भी हिस्सा है कराची का, देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। अच्छा यहाँ पे जान मुझे मैंने कहीं जगहों पे जो है वो वॉइस बन गई थी, बिकॉज नेचुरल वॉइस बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पता नहीं क्यों। वैसे हमारे लिए यही टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है कि ये जो आज का सेशन है न्यूनेटल से रिलेटेड, ये तकरीबन 10,000 रुपये का है, मतलब जो भी आ रहा है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और मैम से बात हुई थी मेरी, तो हो सकता है मैं दूसरे भी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन किए जाएँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इन्जॉयमेंट अपनी जगह पर होती है। अच्छा ये सुबह 9 से 5 बजे तक है और हमारे जब दिल करे हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है ट्रिप में जाना है, तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है मुझे जल्दी निकलना होगा। तकरीबन 1:30 बजे मुझे निकलना होगा किसी भी सूरत में। ओके, और हाँ ऑब्वियसली खाना भी है यहाँ पे यार। ओह गॉड, मज़े की बात है। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि खाना होता है ना जब फ्री का, तो भाई अपना ही अलग मज़ा होता है। हाँ तो भाई ये डॉक्टर सादिया आ गई हैं और अब तैयारियाँ शुरू हो रही हैं ऐसा ऐसा। ये हैं हमारे हेल्पिंग बेबी सर्वाइव के इक्विपमेंट और मैनिकन। फॉर योर एंगेजमेंट एंड एंथुसियाज्म इन कमिंग टू द दिस इवेंट, योर प्रेजेंस एंड Let's go everyone, Dr. Nagmana is here. She is diplomat in American Board of Pediatrics, pediatric advisor. Globally 2.3 million babies die in first 20 days of life. Premature birth complication, asphyxia, trauma and neonatal infections, you can put any blanket on it. So these pictures again, they should be on the wall of the labor room so whoever is helping can see. Hello, assalamualaikum everyone. This is Vamikul Chagurla, fourth year MBBS student at Chinasan Medical University. So I'm glad that मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा respect मिली है और काफी seniors आप हैं। वैसे मेरी हैसियत नहीं कि आपके सामने कुछ किया जाए, but as मेरी mentor है Dr. Nagmana, she asked me to demonstrate helping baby survive protocol in front of you all. So I'm going to just briefly demonstrate. बाकी आप लोग तो मुझसे ज्यादा ही बेहतर जानते होंगे। ऐसे अंदर डालते हैं थर्ड क्वेश्चन। We have two different kinds of masks. Three, one, two, three, one, two, three. Apart from being very proficient in English in her demonstration, she is excellent in her Urdu. Inshallah, we will be putting all these talks today. They're being recorded and we'll put them online as well for later reference. Thank you so much. It was a pleasure.
यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे विद अस. ये 5 बजे तक फिर बाकी इवेंट कंटिन्यू रहा, गायनी और ऑप्स से रिलेटेड सारे सेशंस थे भाई. फिर ये आधे घंटे का हमें टी ब्रेक मिला बहुत मजे का. सो जाते हैं ना तो फिर हर जगह से इंटरव्यू लेना शुरू हो जाते हैं. अच्छा यार जस्ट किडिंग. उन्होंने कहा था कि रिव्यू दे दो आज के इवेंट से रिलेटेड और सिंध गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, मदर और न्यू बॉर्न बेबीज की हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए. वैसे आई वॉज वंडरिंग कि ये बीच लग्जरी होटल का नाम बीच और लग्जरियस यानी बीच लग्जरी क्यों रखा गया. लाइक हर चीज़ का एक नाम होता है, जैसे कि पोर्ट ग्रैंड का नाम है और इस तरह फिर उनकी कोई ना कोई मुमासलत होती है, यानी कि कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है. तो मैंने जब विज़िट किया मैंने कहा यार आप लोगों को दिखाना चाहिए बीच लग्जरी होटल. पता नहीं आप लोग आएँ या ना आए कभी, तो अभी देखें यार कितना मज़े का है. अनफॉर्चुनेटली ये तो बंद है लेकिन इट्स लिटरली बहुत अच्छा है यार. कभी आया नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ. व्हाट्स दिस गाय डूइंग ओवर हियर. तो इधर काफी अच्छी चीज है अमीरों के लिए. इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रहे. I'm just kidding यार, मतलब है काफ़ी अच्छी घूमने की जगह हैं लेकिन once again अमीरों के लिए, obviously गरीब बेचारा नहीं कर सकता. सीरियसली अगर ये खुला होता ना कितना मजा आता यार. कसम से वहां जाके पिक्चर्स बनवानी थी लेकिन खैर पिक्चर लेने वाला भी तो कोई नहीं है. गम तीन इंसान है यार कसम से हम लोग. चलो खैर बाकी जगह विजिट करते हैं हम. यहाँ पे अंदर चल रहा है आइल्स का टेस्ट. यहाँ पे भी सेंसर्ड नलके लगे हुए हैं पीसी होटल की तरह. नॉट दैट सेंसर्ड, इट्स लाइक टच पे जो है ये शाइन ह्यूमैनिटी गाड़ी अपनी, इसमें बैठ के वापसी जाना है अभी. चाहे अभी जे एस एम यू आना पड़ा, आज छुट्टी की थी जे एस एम यू की, फिर भी आ गए जे एस एम यू में. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स फ्रिपकोर. ऑलराइट एवरीवन, सो फाइनली अब मैं फ्रिप के कोर में आ चुका हूँ. खाना नहीं खाया बीच लग्जरी का, इतना अच्छा खाना था वो मैं छोड़ के आया हूँ अब फ्रिप के लिए. ठीक है, सो पहले सुबह न्यूनेटल रिसेसिटेशन सिखाया मैंने उधर. HBS का जो प्रोटोकॉल था हमारा बीच लग्जरी होटल में, बहुत सारे सीनियर HODs कंसल्टेंट्स थे, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस, उनके सामने HBS का प्रोटोकॉल किया. अब यहाँ पे फ्रिप का सेशन अटेंड करने आया हूँ और फ्रिप के लिए काम करने आया हूँ, फ्रिप का सेशन देने के लिए, मतलब एज इंस्ट्रक्टर के तौर पर. ठीक है यार, बहुत दुख हो रहा है. मैंने बीच लग्जरी का खाना है वो छोड़ के आया और सिर्फ चाय नाश्ता किया, उसी पे अब पूरा दिन निकालना है मैंने. सो बस आगे देखिए होता है क्या. भाई फ्रिप की वर्कशॉप लीड करने के चक्कर में मैं भूल गया था कि आज मैं जो है वो व्लॉग बना रहा हूँ. और 1:30 बजे से वर्कशॉप चली थी, अभी ख़त्म हुई है. मगरिब की नमाज़ पढ़ने आए थे, अबरार भाई मेरे साथ हैं, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा खाना वाना खाने. अबरार भाई को मनाया मैंने, तो इंशाल्लाह अबरार भाई लेके जा रहे हैं मुझे अपनी बाइक पे. अबरार भाई पैसे देंगे उसके. ठीक है अबरार भाई चलते हैं. और ये कुछ सुवेनियर्स मिले थे मुझे वहाँ से. अच्छा वो तो मैनिकन है ना, उससे ऊपर वाला,
जो है ये हमें वर्कशॉप से मिला है। यार ये अबरार भाई ने तो धोखा दे दिया, अकेले खाना खाया बैठे प्लॉट में से। और ये अभी चॉकलेट पिज्ज़ा लिया, तो वेटिंग फॉर माय बाइक किया, घर जाते हैं, फिर देखते हैं कि कब तक पहुंचना है घर। भाई फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और आज का दिन यहाँ पे अभी नहीं ख़त्म हुआ सबर, अभी हम चॉकलेट पिज़्ज़ा टेस्ट करेंगे। चॉकलेट पिज़्ज़ा जो मैं 3 बार खा चुका हूँ वफ़ल्स की तरह। इट्स लाइक वॉफल्स और टॉपिंग्स मुझे लग रहा है कि ओरियो बिस्किट के लग रहा है, कंफर्म नहीं है, बट आई हेट ओरियो। ये बैकआउट चल रहा है इस वजह से, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा है। चले मैं ये तो डिसाइड हो गया, जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता उस दिन खर्चा अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है, और जेब खाली हो जाती है। अच्छा जस्ट किडिंग, तफरी बहुत आई, मज़ा बहुत आया, और आप लोग भी जुड़े रहिए एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।